में आपका स्वागत है। आज हम अपने मनी प्लांट के बारे में बात करेंगे, जैसे मनी प्लांट को घर में कैसे लगाना चाहिए, घर के बाहर कैसे लगाना चाहिए, घर के अंदर लगाना चाहिए उसका फायदा है या बाहर लगाने से इसका फायदा है, और उसके ऐसी कौन सी खाद देनी चाहिए जो इसके लिए अच्छी हो, ग्रोथ इसकी अच्छी हो, पत्ते अच्छे ग्रीन बने, और मनी प्लांट को घना कैसे करें। हमारा मनी प्लांट लग तो जाता है लेकिन कई ऐसा होता है कि भूसी नहीं हो पाता। जैसे ये देखिए हमारा कितना भूसी हो रखा है, ये देखिए ये छोटा सा ही है हमारे पास, मैंने एक कप में लगा रखा है लेकिन ये लंबा नहीं हो रहा है, ये इतना इसी में इतना लगा हुआ है और कितनी अच्छी तरह से जैसे ये लगा हुआ है इसमें। तो कईयों के ऐसे लगता है कि जैसे ऊपर को एक डंडी सीधी सी निकल जाती है तो वो देखने में इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। ये देखिए एक मेरा ये प्लांट है, ये देखिए, तो इसको ये देखिए, तो इसमें मैंने भूसी इसलिए कैसे होता है ये पूरा पूरे भरे हुए हैं, ये अलग अलग हैं। जैसे ये देखिए एक ये है तो ये भी पूरा मतलब जैसे भर गया है पूरा, और लंबी टहनी जैसे कईयों की हो जाती है और ज़्यादा भूसी नहीं होता, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि ये कैसा होगा। मनी प्लांट की कटिंग कैसे लगानी चाहिए और पानी में कैसे लगता है और मिट्टी में कैसे लगता है और कहाँ कितना अच्छे तरह से कहाँ ग्रोथ करता है, तो ये सब बातें हम इसमें बताएंगे। और कौन सा फर्टिलाइजर इसमें देना चाहिए जिसमें अच्छा इसका रिजल्ट आता है, पत्तों का अच्छा ग्रीन मतलब ग्रीन दिखाई देते हैं, तो इन सभी विषयों के बारे में हम आज जानकारी देंगे बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे मनी प्लांट एक बहुत ही लक्की प्लांट माना जाता है। मनी प्लांट का असली नाम तो पोथोस है नाम, लेकिन वो मनी प्लांट इसलिए बोलते हैं कि लोग ऐसे सोचते हैं, उनका मानना है ये है कि मनी प्लांट लगाने से घर में बरकत होती है मनी की। ऐसा कुछ नहीं है कि बरकत होती है, इससे पैसे आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये होता है कि मनी प्लांट एक एयर प्योरीफायर प्लांट है, बहुत ही अच्छी ऑक्सीजन वगैरह हमारे शरीर को देता है जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेटर रहता है, और हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो हेल्थ रहेगी सही तो वेल्थ भी ठीक रहेगी। तो उसी तरह हम अच्छे स्वास्थ्य रहेंगे तो हमारे अच्छा काम भी करेंगे, और उसी तरह से मनी का भी हमारे घर में प्रवेश उस तरीके से इसको आप देखिए कि ये बहुत अच्छी तरह से लोग मतलब इसको, और ये बहुत ही ईजिली है घर में लगाना। तो मोस्ट ऑफ घरों में अगर प्लांट नहीं भी लगे हैं किसी के, लेकिन ये मनी प्लांट तो मोस्ट ऑफ लोगों के घर में लगा ही होता है। तो ये बहुत ही ईजी है ग्रोथ करने में, घर के अंदर लगाने में पानी का भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए आज इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसको कैसे क्या करना है, कैसे फर्टिलाइजर को देना है, क्या करना है। सबसे पहले हम इसकी वैरायटी की बात करेंगे। इसमें बहुत सी वैरायटी आती हैं अलग अलग, जैसे ये देखिए ये हमारी न्योन वैरायटी है इसमें लगी हुई, तो ये इसके पत्ते ऐसे रहेंगे, ये ग्रीन रहते हैं सिर्फ, थोड़ा सा न्योन का कलर के आते हैं ये बीच में, तो ये देखिए न्योन कलर में ये है। तो एक वैरायटी इसमें आती है, एक वैरायटी ये है, ये देखिए, तो इसमें ये थोड़ा थोड़े सी इसमें बीच में डिजाइन से होते हैं, ये मार्बल वाले है हमारा ये, तो एक ये है, और एक जो है प्लांट जो होता है ये एक बड़ा प्लांट होता है जिसमें पत्ते बहुत बड़े होते हैं, वो अलग से होता है एक प्लांट, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स एक ये है हमारी वैरायटी जो है, ये बड़े पत्तों की वैरायटी है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हैं आते हैं, देखिए ये देखिए मेरा हाथ है तो हाथ से ही बड़ा है, इसमें और भी काफ़ी बड़े पत्ते थे, मैंने कटिंग कर दी है उसकी अभी, ये थोड़े सर्दियों का मौसम हो गया तो थोड़ा सा डोमिनेट पीरियड होता है उनका, तो उसमें चले जाते हैं, तो ये अभी थोड़े पत्ते इसके छोटे हो रहे हैं, लेकिन ये देखिए पत्ते देखिए, तो ये एक बड़ी वैरायटी है, ये छोटे पत्तों में नहीं आती, ये बड़ी वैरायटी जो बड़े पत्तों में जो हम नर्सरी से लेके आते हैं तो ये उसी में होता है ये वैरायटी। इसके बाद हम इसकी ग्रो की बात करेंगे, इसको लगाएं कैसे। तो ये हमारा कटिंग से बहुत अच्छी तरह से चल जाता है, जैसे थोड़ा सा भी हम इसको काट के कहीं से लेके आते हैं अगर, तो ये बहुत अच्छी तरह से हमारा जो है ग्रोथ हो जाएगी इसकी। आप डायरेक्ट इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पानी में डाल के अगर जल्दी जड़ें निकल जाएंगी उसकी पानी में लगा डाल के लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने कटिंग करनी है। जैसे कि कटिंग में आपको बताऊंगी, जैसे मैंने ये दो डंडियां ले ली हैं मैंने ये काट के,
ये देखिए एक ये लिए और एक ये लिए, तो हमने इसको नोड एरिया से काटना है। ये देखिए तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करूंगी, जो ये देखिए ये इसका नोड एरिया है ये, तो इससे ही हमारी जड़ निकल के आएगी। तो इसको पहले हमने ऐसे कटिंग कर देनी है, इसको यहां से हमने एक छोटी कटिंग ज्यादा लेनी है। लंबी कटिंग करने से ऐसा होगा कि मतलब जड़ें हमारी जितनी ज्यादा निकलेंगी उतना अच्छी तरह से हमारा प्लांट जो है सर्वाइव करेगा। तो हमने सिर्फ नोड एरिया से अलग अलग काट के ले लेना है। ये देखिए एक नोड एरिया ये है, तो हम इधर से इसको काट देंगे। तो इसके इससे क्या हुआ कि ये वाली नोड एरिया वाली जो हमारी जो जड़ों वाली जो पोर्शन है, हमने ये वाला ले लेना है तीनों का, और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे सारे हमने जो जड़ों वाला जो एरिया है ये हमने ले लिया, और इनको सबको हमने पहले इकट्ठा पकड़ लेना है ऐसे। तो ऐसे लगाने से क्या होगा कि हमारा प्लांट बहुत अच्छी तरह से जल्दी लग जाएगा और सर्वाइव अच्छी तरह करेगा। डायरेक्ट मिट्टी में भी लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कई ये जो है हमारी 100% कटिंग जो है ये हमारी चल जाएगी। तो ये सारा जो है हमने एक पानी लेंगे, पहले एक पानी का गिलास लेंगे। ये मैंने एक पानी का भरा हुआ कप ले लिया, भरा पूरा नहीं है ये, थोड़ा सा खाली है, और इसमें हम ये अपनी जड़ें डाल देंगे। जड़ें ऐसे डालेंगे कि ये नीचे हमारे टच ना हो, नीचे जाके तो ये हमारे पत्ते ऊपर पत्ते अटक जाएंगे ऊपर ही, तो ये नीचे टच भी नहीं हो रही है। और इसमें तो एक हफ्ते में ही काफ़ी आपकी जड़ें जो है निकलना शुरू हो जाएंगी। गर्मियों में ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होता है, थोड़ा सर्दियों में इसका थोड़ा धीरे ग्रोथ हो जाती है इसकी। तो आजकल ठंड है तो इतनी जल्दी चाहे ना भी आए, नहीं तो गर्मियों में तो दो तीन दिन में ही इसमें काफ़ी अच्छी जड़ें आने लग जाती हैं। और इसका जो पानी में है वो 100% रिजल्ट है। अगर आप मिट्टी में डायरेक्ट अगर लगा रहे हैं तो लग जाएगा, लेकिन एक दो जैसे आप, मैं तभी आपको बता रही हूँ कि आप इतनी तो कम से कम लगाएं जड़ें कि पत्तियाँ अलग अलग काट के लगाएंगे, ताकि एक दो अगर बीच में खराब ही हो जाती हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। आप अगर एक पूरी डंडी, लंबी डंडी अगर लगाते हैं पूरी, तो उसमें से अगर चांसेस हैं कि एक आध खराब हो जाएगी, तो आपकी फिर वो डंडी अगर एक पूरी खराब हो गई तो फिर आपका पूरा प्लांट वैसा हो जाएगा। अलग अलग काट के लगाएंगे तो इसमें से एक दो अगर खराब हो भी जाती हैं तो आपका ऑप्शन ज़्यादा मिल देंगे ज़्यादा कटिंग में। और ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा, आपके जड़ें लगने के बाद आप इसको डायरेक्ट मिट्टी में लगा दे सकते हैं, और सबसे इजी ग्रोथ हमारा ये प्लांट है। तो ये हमारा लगने का तो हो गया, हमें जो इसका सॉइल का रेशियो होगा हमारे 25% जो हमने लेनी है उसमें गार्डन सॉइल लेनी है, 25% ही हमने रेत लेनी है, जो हमारी जो रिवर रेत होती है हमने वो लेनी है, 25% हमने इसमें कोकोपीट डालना है, और 25% ही हमने इसमें कंपोस्ट लेनी है। तो ये हमारा रेशियो रहेगा। रेशियो ये इसलिए रहेगा कि इसमें थोड़ा वेल ड्रेन मिट्टी की जरूरत होती है। अगर आपके पास अगर कोकोपीट ने भी है तो आप उसमें कंकड़ वगैरह डाल सकते हैं, जैसे पत्थर होते हैं छोटी छोटी बजरी टाइप, वो आप डाल सकते हैं। रेत नहीं है तो भी आप इसको डाल सकते हैं। तो उससे ये होगा कि हमारी जो है मिट्टी जो है काफ़ी वेल ड्रेन लगेगी बनेगी, और उससे बनने से ऐसा होगा कि हमारी मिट्टी का अंदर पानी ज़्यादा नहीं रुकेगा। अगर पानी ज्यादा रुकेगा तो इसमें ये है, पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है इसमें, लेकिन रिक्वायरमेंट ऐसी कि वो पानी ऊपर से जैसे हम डालते हैं तो वो नीचे से निकल जाए। पानी जब हम दे भी रहे हैं तब भी हमने ये ध्यान रखना है कि हमने थोड़ा सा पानी नहीं डालना है, हमने भरपूर पानी उसमें देना है, ताकि वो ऊपर से हम जैसे डाले तो वो नीचे निकल जाए पानी। तो नीचे से निकल जाने से ऐसा होता है कि जड़ों तक पहुंच जाता है वो पानी आधा। अगर हम एक गिलास अगर छोटे पॉट में डाल रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन बड़े पॉट में जैसे मेरे पास बड़े हैं, अगर उसमें मैं एक दो मग अगर पानी के डाल रही हूँ और वो नीचे से अगर नहीं निकल रहे हैं तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि नीचे जड़ों तक पानी पहुंचा है कि नहीं। तो नीचे तक पहुंचाने के लिए हमें अच्छी तरह उसको भरना है पॉट को, लेकिन वही होना चाहिए कि उसकी जो पानी है वो नीचे से निकल जाए, जब हम डालें तो उसके 4-5 मिनट में ही वो पानी बाहर आ जाए, ताकि वो सारी जड़ों को भी पोषण मिल जाए, उसका पानी मिल जाए, और हमारा अंदर रुके भी ना पानी। इसलिए हमें मिट्टी जो है वेल ड्रेन रखनी है इसकी, और पानी हमने तभी देना है इसमें
जब हमारी मिट्टी एक इंच तक सूख जाए, पानी हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। पानी ज़्यादा डालने से अगर मिट्टी हमारी अच्छी नहीं होगी तो अंदर जड़ें हमारी वो सड़ना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए मैं कोकोपीट का बात इसीलिए कर रही हूँ कि कोकोपीट जो है वो मॉइस्चर को थोड़ा होल्ड करके रखेगी और थोड़ी जड़ों को उसमें मॉइस्चर पानी जो है उसमें लग जाएगा, इसलिए इसमें कोकोपीट डालना चाहिए। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो मत भी डालिए, ऐसा कुछ नहीं है कि डालना ही है। तो आप कुछ नारियल का बरूदा, अगर नारियल आपको कच्चा नारियल होता है उसको आप वो करके उसका भी रेशे अगर आप मिला सकते हैं उसमें, तो अगर वो भी नहीं है तो आप ऐसे भी डाल दीजिए, लेकिन आप उसमें पानी का ध्यान रखना पड़ेगा फिर कि पानी को सूखने के बाद, मिट्टी सूखने के बाद आपने उसमें पानी देना है। पानी पहले से अगर मॉइस्चर है, मिट्टी अगर वेल ड्रेन नहीं है आपकी, तो उसका थोड़ा पानी का उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे हमने क्या करना है। और ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, ये देखने में भी बहुत अच्छा है और हम ऐसी इसकी ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें फर्टिलाइज़र की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्टिलाइज़र देना ही चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जो फर्टिलाइज़र है इसमें फ्रेंड वो है हमारा सी बीड्स। फ्रेंड ये है हमारा सी बीड्स, ये देखिए ये थोड़े दानेदार ऐसे होते हैं, तो इसको आप पानी में रात भर एक मग में जो है एक मग में भिगो के रख दीजिए और सुबह एक बाल्टी में लेके उसको आधी बाल्टी लेके उसको पूरे में स्प्रे, पत्तों में स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लश ग्रीन जो है, पत्ते जो है आपके बहुत ही अच्छे ग्रीन आएंगे उसके। और अगर आप ऐसा अगर पानी में नहीं भी डालना चाहते हैं तो एक बड़े प्लांट में, बड़े प्लांटर में आप उसको 2 चम्मच आप उसके डाल सकते हैं, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं मोस्ट ऑफ अभी लेके आई हूँ ये, तो मैं आपको बता रही हूँ उसकी नॉलेज। लेकिन अभी जो आप अगर घर में अगर फर्टिलाइजर बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, मैं घर में भी आपको बताऊंगी फर्टिलाइजर। मैंने घर में बहुत अच्छी तरह से जो हमारी किचन का वेस्ट निकलता है उसका लिक्विड फर्टिलाइजर भी मैंने बना के रखा है, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी कैसे बनाना है, तो वो आप दे सकते हैं इसमें। और कुछ भी नहीं है तो आप चाय पत्ती अगर आपकी बच जाती है तो आप उसको जो भी छान के उसको धो के अच्छी तरह धो के वो इसके अंदर आप डाल सकते हैं, उसकी वेस्ट चाय पत्ती जो है उसको डाल सकते हैं। और अगर फर्टिलाइजर ही आप देना चाहते हैं तो 1 चम्मच रात को चाय पत्ती का भिगो के और सुबह आप इनको चाय का पानी वो चाय पत्ती के साथ ही दोनों को आप दे दीजिएगा, उसके वीड्स भी उसमें डाल दीजिएगा, जो उसके दाने हैं वो भी डाल दें तो वो भी फर्टिलाइजर का काम करते हैं और बहुत अच्छे तरह से इसका जो है ग्रोथ होती है। तो चाय भी हमारे इनको प्लांट मनी प्लांट को बहुत पसंद आती है। तो फ्रेंड ये थी हमारी फर्टिलाइजर की जानकारी और हमारे वातावरण को बहुत ही अच्छा शुद्ध बना के रखते हैं। जैसे हम NCR वगैरह में अगर रह रहे हैं और यहाँ पे बात आपको पता ही है कि दिल्ली जैसे शहरों में कितना पोल्यूशन है और हमारे वातावरण को शुद्ध करता है, हमारी हवा को जो है ये शुद्ध करता है, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट पानी की भी नहीं होती है, इतना कुछ केयर करने की भी जरूरत नहीं है कि ऐसा कि और अंदर बाहर का भी कोई ऐसा नहीं है। अगर हम अंदर रख रहे हैं अपने प्लांट को तो हमें हफ्ते में एक बार इनको धूप दिखानी है फ्रेंड्स। अगर धूप नहीं दिखाएंगे तो ये देखिए मेरे ये छोटा सा मैंने ये लगा रखा है और ये मेरा अंदर ही रहता है ये, तो ये ग्रो तो अच्छी तरह से हो रहा है लेकिन इसकी पत्तियां बढ़ नहीं रही हैं। इसकी पत्तियां जो है ये देखिए छोटी छोटी पत्तियां इसमें आती हैं। अगर आप धूप में थोड़ा रखेंगे तो इसकी जो अगर पत्तियां बड़ी करना चाहते हैं, ये मैंने देखिए छोटे से कप में लगा रखा है, ये चाय का कप है तो ये थोड़ा सा क्रैक हो गया था तो मैंने इसी में लगा दिया था। तो ये ऐसा नहीं है, इसके लिए कुछ पोर्ट ऐसा नहीं है कि आप बाहर से कुछ लेके आओ तो भी आपके ये लगेगा, ये किसी में भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने ये बना रखा है, ये ऑयल की एक कैन थी उसको मैंने कटिंग करके ये देखिए इसमें लगा हुआ है, तो ये पूरे 5-6 महीने का है, गर्मियों में काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाता है, तो ये पीछे बन गया है। एक ये मैंने छोटा सा ये देखिए बोतल का ही है ये छोटी सी, तो इसमें किसी भी उसमें चल जाएगा ये आपका, ये देखिए ये छोटा सा कितना सा है ये छोटा सा इसका, और ये बहुत अच्छी तरह से हर कंटेनर में जो है सर्वाइव कर जाता है। देखिए मैं आपको हैंगिंग वाला भी दिखाती हूँ, ये मेरा हैंगिंग वाला है तो ये मैंने हैंग करके देखिए कितनी लंबी तरह से नीचे से लटके हुए हैं, तो ये हफ्ते में मैं एक बार इनको बाहर धूप दिखा देती हूँ इनको, तो हफ्ते में धूप जब आपने दिखानी है तो इसको रात को बाहर के निकाल के रख देना ताकि बाहर का एकदम ही इसको सदमा ना लग जाए कहीं कि बिल्कुल ही सीधा आप अंदर से निकाल के सीधा धूप में लगा देंगे तो ये थोड़ा सर्वाइव करने में थोड़ा इनको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपने बाहर रखना है तो आप रात को इसको निकाल के रख दीजिए, दूसरे दिन फिर ये अपने आप थोड़ा एक 2 दिन की धूप दिखा के फिर आप इनको अंदर रख दीजिएगा।
ऐसा नहीं है एक दो प्लांट आप बना के रखिए, जैसे आपने एक लगा रखा है तो एक को आप बाहर रखिए और जब उसका टाइम हो जाएगा तो उसको फिर आप अंदर रख के आप दूसरे को बाहर लगा सकते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मेरे पास देखिए बहुत सारे प्लांटरों में है, मैंने ये तो साल 8-9 महीने तो हो ही गए हैं इसको जो इतनी अच्छी तरह से ग्रोथ हो गया है। तो अभी मैंने छोटे लगा रखे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये थी मेरी जानकारी जो है मनी प्लांट की। इसको भूसी करने के लिए हमने जो क्या करना है, मैंने हर जो वीडियो में आपको बताती हूँ कि इसमें जो है इसके जो एंड पॉइंट होता है जहाँ पे ये हमारा थोड़ा लंबा होने लग जाते हैं प्लांट हमारे, ये देखिए जैसे ये लंबे होने लग गए, तो इसको मैंने या तो इसको मैं इसके साथ ही ऐसे लगा दूंगी, इसकी जड़ जो है ये, तो इसकी जो ये देखिए ये मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये हमारी है इसकी ये जड़ है ये निकल रही है, तो ये जड़ें जो है मैं इसी में गोल घुमा दूंगी और इसी के अंदर जो है इसको घुसा दूंगी और इसकी मिट्टी के अंदर टच कर दूंगी इसको, तो ये अंदर से ये और प्लांट भी निकलना शुरू हो जाएंगे। या तो फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे, जहां से ये बाहर निकल रहा है तो हम इसको ऐसे यहां से इधर से काट देंगे, इसको यहां से कटिंग करने से यहां से और हमारे जो है निकलना शुरू हो जाएंगी डंडियां, और ये वाली कटिंग जो है हमारी, तो इसको हमने ऊपर नहीं जाने देना है डंडी को, जो लंबी डंडियां हो जाती है तो उनको हमने ऊपर नहीं जाने देना, हमने नीचे से उसको काट देना है, तो उससे ये होता है कि हमारी कहीं और से ग्रोथ निकलना शुरू हो जाएगी, तो ये भूसी हमारा बन जाएगा जैसे इस तरह से, जैसे हमने ये करा हुआ है इसमें भी मैंने ऐसे ही किया हुआ है। तो पहले मैंने एक दो ही डंडियां लगा रखी थी इसमें, लेकिन जो अगर लंबी हो रही थी तो मैं उन्हीं को घुमा दे रही थी उसमें, तो अब ये सबने जड़ें पकड़ ली हैं, डंडी जो सारी घूम रही हैं ये इसने अंदर डंडी पकड़ ली है, सबने जड़ें अपनी पकड़ ली हैं, तो ये सारे अच्छी तरह से ये देखिए कितना अच्छा सा भूसी भी हो गया है ये। और अगर लंबी अगर आपकी डंडी है तो उसको काट के आप दोबारा उसी में दोबारा लगा दीजिएगा, तो ये बहुत अच्छी तरह से फैल जाएगा हमारा प्लांट और ज़्यादा लंबा होगा भी नहीं। अगर आपने लंबा प्लांट अगर थोड़ा लंबा में जैसे बनाना है, जो मोस्टिक होती है वो आप लगाएंगे तो आपके अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह आपका जो मनी प्लांट है बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और उसका आप घर भी जाएगा। मैंने एक नया मनी प्लांट जो है वो अभी लगाया है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक मॉस में लगाया हुआ है ये प्लांट, तो ये देखिए इसमें मैंने साथ में ये जड़े जो है इसी के साथ मैंने लगा दी है, और इसमें पानी जो है इसके अंदर अगर आप डाल दोगे तो इसकी जड़ें इसके अंदर चली जाएंगी और उसके बाद ये बहुत अच्छी तरह से जो है ये फैल जाएगा प्लांट अभी पूरा। अभी मैंने नया लगाया है तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा अभी एक ही डंडी लगी है ऊपर पर। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी जानकारी मनी प्लांट के बारे में, कुछ बातें अगर छूट भी गई होंगी तो फ्रेंड आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा अगर आपको कुछ पूछना है तो। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को अभी यहाँ पे समाप्त करती हूँ, और कुछ भी अगर आपने पूछना है तो मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डालिए और मुझसे पूछ लीजिए। ओके फ्रेंड बाय।